भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के बायपास केस में 5 फरवरी की शाम हत्या मामले का भागलपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में घटना में घायल युवक दीपक मिश्रा ने ही वारदात को अंजाम दिया है। उसने अपने चाचा रोशन मिश्रा को मौत के घाट उतारा था। दीपक बेहोशी का नाटक कर रहा था। पहले दिन उसने पुलिस को बयान भी नहीं दिया था। भागलपुर सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आशीष मिश्रा और रोशन की हत्या दीपक ने की थी। 2 कट्ठा प्लॉट का विवाद था। पहले भी दोनों के परिवार के बीच मारपीट हुई थी। फिर कुछ दिनों से दीपक मिश्रा आशीष का विश्वास जीतने के लिए उसके साथ घूमने लगा। थाना अंतर्गत बाईपास के समीप एक व्यक्ति दीपक मिश्रा की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके साथ एक 5 फरवरी को बाईपास के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले का उद्भेदन 48 घंटों के भीतर हुआ। अगर उस दिन बाईपास जाम नहीं रहता तो हम लोग दूसरे दिन अपराधी को गिरफ्तार कर लेते। जाम कर रहे लोगों के विरुद्ध विधि व्यवस्था में खलल की स्थिति उत्पन्न करने के विरुद्ध धारा 353 के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिस चाकू से उसने आशीष मिश्रा की हत्या की, उसी चाकू से अपने हाथ में भी जख्म कर लिया था और खून से लथपथ था। तो शुरू में पुलिस समझ नहीं पाई कि इस पे वार हुआ है या इसने खुद से अपना हाथ में जख्मी किया है। और अस्पताल जाने के बाद इसने डॉक्टर्स को भी कन्विंस कर लिया, जिसे डॉक्टर्स भी शुरू में इसे फायर आर्म्स इंजरी बता रहे थे। बट बाद में आपको बता दें कि हत्या के बाद बाईपास पर 5 घंटों तक बवाल हुआ था। बेजाने के लोगों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया था। 5 दिनों के अंदर गिरफ्तारी की मांग पर सभी प्रदर्शनकारी अड़े थे। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अनुसंधान कर दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं पाई गई है सर, 5 दिन का समय लिया गया था लेकिन 48 घंटे के अंदर उद्भेदन हो गया सर, कितना उपलब्धि मानते हैं? ये घटना 1 घंटे में ही सॉल्व हो जाना था, बट घटना होते ही कुछ लोकल युवकों के द्वारा सड़क जाम कर दिया गया, विधि व्यवस्था की उत्पन्न कर दी गई, जिसमें हमारा सारा पुलिस फोर्स, हमारे SDPO साहब, SDM साहब, सभी लोग 6 घंटे तक सड़क पर रहकर लोगों को समझाते रहे और इस कारण से अनुसंधान में 5-6 घंटे का विलंब हुआ, नहीं तो घटना और पहले सॉल्व हो जाता। दीपक का कोई आपका इस टीम में दीपक का थाना अध्यक्ष इस टीम में थाना अध्यक्ष सौबर का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पवन कुमार सिंह और SDPO लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार का, इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बिहार पुलिस का जो पारितोषिक पुरस्कार हर साल दिया जाता है, उसके लिए हम लोग अनुशंसा करके भेजेंगे। आशीष कुमार मिश्रा जो कि बाईपास थाना अंतर्गत बैजानी गांव का रहने वाला है, उसकी हत्या लोदीपुर थाना अंतर्गत बाईपास के समीप कर दी गई थी। उसके साथ एक उसका चचेरा भाई दीपक मिश्रा भी जख्मी हालत में पाया गया था। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल ले गया और आगे का इलाज का कार्रवाई किया गया था। तत्काल हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की और अनुसंधान प्रारंभ किया। घटना के पश्चात लोकल युवकों के द्वारा सड़क जाम कर दिया गया था, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें करीब काफ़ी लंबा जाम लग गया था। जाम को छुड़ाने हम लोगों को 5 घंटे लगे। जाम विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य होते ही पुलिस अनुसंधान में लग गई। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि जो जख्मी युवक दीपक मिश्रा है, उसी ने आशीष कुमार मिश्रा की हत्या की है। हत्या के लिए उसने एक चाकू खरीदा है, DNC रोड जो हमारे भागलपुर शहरी क्षेत्र में है, वहीं से एक फुटपाथ के दुकान से एक चाकू खरीदा है और उसी चाकू से इसकी हत्या की गई है। मनसा क्या? घटना का जो कारण बताया जा रहा है, 1-2 कट्ठे का प्लॉट है। ये 2 कट्ठे का प्लॉट दीपक मिश्रा की दादी के नाम से खरीदा गया था बैजानी में, जो बाईपास थाना अंतर्गत है। इसी 2 कट्ठे में 1 कट्ठे के लिए दीपक मिश्रा अपने कब्जे में लेना चाह रहा था, बट आशीष मिश्रा ऐसा नहीं होने दे रहा था और दोनों परिवार के बीच में काफ़ी बार मारपीट पहले भी होते आते रहा है। और बिकॉज दीपक मिश्रा आशीष मिश्रा के कारण प्लॉट पे कब्जा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने हत्या का प्लान बनाया। इसके लिए उसने आशीष मिश्रा को पहले अपने विश्वास में लिया, काफ़ी दिन से उसके साथ रहने लगा और
सरस्वती पूजा आशीष मिश्रा हर साल अपने घर पे मनाता था। सरस्वती पूजा के दौरान ये काफ़ी बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, प्रसाद लाने से लेकर मूर्ति बिठाने से लेकर हर एक कार्यक्रम में इसने अहम भूमिका निभाया। और उसका विश्वास हासिल करने के बाद उसको प्लॉट दिखाने के बहाने लोदीपुर थाना अंतर्गत बाईपास के किनारे एक ज़मीन दिखाने के लिए ले गया और वहाँ ले जाकर पीछे से चाकू से वार कर दिया। वहाँ से आशीष मिश्रा भागने की कोशिश किया बट इसने इसे पीछे से पकड़ा और उसके गले पर चाकू से दो प्रहार किया और इसके बाद आशीष मिश्रा वहीं पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दीपक मिश्रा ने आशीष मिश्रा के ही मोबाइल से उसके बड़े भाई विनय मिश्रा को फ़ोन किया और जिस चाकू से उसकी हत्या की थी उसी चाकू से अपने दोनों हाथ पर जख्म कर लिया और जब पुलिस पहुंची तो खुद को भी घायल अवस्था में अपने आप को विक्टिम की तरह पेश किया। शुरू में पुलिस उसे अस्पताल ले गई और बाद में अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और उस तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पता चला कि दीपक मिश्रा ही इस घटना में शामिल था। पीओ विजिट किया गया, वहाँ से जो चाकू प्रयुक्त किया गया था उसकी बरामदगी की गई, वहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है, तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दीपक मिश्रा का फिर से बयान लिया गया और उसने भी अपने कन्फेशन में इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट।